दोस्तों और बुजुर्गों, बीजा सोरट के किस्से की कुछ और रागनियां आपको सुना रहा हूं। आपने सुना कि तस्वी बंजारा सोना चांदी सोरट के बदले में तोलकर उसे एक कुम्हार के घर से ले आया और खटका नगरी में डेरे डाल दिए। खटका नगरी के राजा रोड ने सोरट को तस्वी के डेरे में देख लिया और बंजारों की परिवार सहित दावत की और धोखा करके सोरट तो घर में रख ली तथा बंजारों को धक्के देके महल से बाहर निकाल दिया। तस्वी तो खटका नगरी से आकर अपने दोस्त राजा खंगार के पास जूनागढ़ में गया। अपनी बहू को राजा रोड की कैद से छुटाने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगता है और उधर जब राजा रोड सोरठ पर दबाव देता है कि तू मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले, तो सोरठ कहती है कि धोखेबाज छलिया दुष्ट चालाक राजा, मैं बेशक तेरे बंधन में हूँ लेकिन तुझे किसी भी कीमत पर अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। और इस प्रकार राजा रोड व सोरठ के आपस में सवाल जवाब होते हुए क्या कहते हैं। चौपड़ सार खिला दे सोरठ, रानी बनके मेरी तू धोखे बाज लूंगा, रानी बनावन खातर सोरठ महला के मडाजी सड़की दावत देके ने तने मेरी गर्दन काटी। दिल से प्यारी रखूंगा तू लखा में ते छाती, पहला में सड़की जान नहीं तेरी मना मालूम पाटी। हाँ गहने वस्त्र पहर सिंगर ले, गहने वस्त्र पहर सिंगर ले, सोरठ मत्तर देरी। लोभ दिखा के रे पापी तू गलन लाग गेरी, चौपड़ सार खिला दे सोरठ बनके मेरी तो के बाल लुंगाड़ा से मैं बहु बनू न तेरी। हाँ नहा दो के तू दो के सिंगार बना फिर चौपड़ सार खिलाइए, भूख परे उसी चौपड़ ने मेरे मतना हाथ लगाइए। रानी बनन ते नाटे से तने किसी बात ना चाहिए, राजा हो अने रैयत ते शरमाइए। इब तू रैयत कड़े रही से, इब तू रैयत कड़े रही से, रानी का हक लेरी। तेरी बात ने ना मानू मैं करूं
जान की ढेरी तो पड़ सार खिला दे सूरज रानी बनके मेरी तो के बाद लुंगाड़ा से मैं बहु बनू न तेरी भाज के जागी बदन का केरा रह गया जब तेरे धोखे में आगी जिस दिन देखी डेरे में तू उससे दिन मन भागी तने अपना मतलब काट लिया चाहे चोट गैर के लागी मरता मरो जीवता जियो क्यों सहम उलाण देरी सुख में तली जान काट मेरी दुख में विपता गेरी तो पड़ सार खिला दे सूरज रानी बनके मेरी सार खिला